हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी। और मैं हूं आपके साथ नेहा। हम लोग अपना चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मेंसुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ 10th क्लास। इसका ऑलरेडी डे वन में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करके एक दो क्वेश्चन निकाल चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा डे 2 है। तो चलो बच्चों, देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। इसमें लिखा है, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द प्रोट्रैक्टर। ओके, बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम होते हैं, दे नो वेरी वेल कि प्रोट्रैक्टर क्या होता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो आप जानते हैं कि प्रोट्रैक्टर को डी भी बोलते हैं। ठीक है, डी क्या होता है बेटा? जिससे आप एंगल मेजर करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोट्रैक्टर है वो आपको कुछ इस शेप में होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप देखते हो कि नीचे से क्या होता है, यहाँ पर आपका जीरो होता है या 180 भी होता है। यहाँ पे जीरो होता है तो यहाँ 180 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये एंगल चलते हैं जो जीरो से लेके 90 और 90 से 180 तक चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो है शेप ऑफ द प्रोट्रैक्टर। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो शेप है प्रोट्रैक्टर की वो कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सर्कल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ सर्कल है। ठीक है, क्या उसको बोल सकते हैं, सेमी सर्कल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। जबकि ऑलरेडी उसने क्या बोला है, आपको गिवन किया है कि आपको पाई यूज करना है, और जो एरिया ऑफ द प्रोटेक्टर है वो मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो 108 का सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले जब ऐसा कंडीशन होता है बेटा, तो जो गिवन है आप वही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए एरिया की, तो एरिया आपका कितना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ एरिया नहीं है, ये आपका क्या है बेटा, पेरीमीटर गिवन है। क्या है ये आपका, पेरीमीटर गिवन है, एरिया गिवन नहीं है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर की बात करते हैं, तो बेटा यहां से हमने, अगर मैं यहां से शुरू करती हूं तो यहां से पहले मैं यहां से यहां तक जाऊंगी। ठीक है, ये एक तरह की जो आर्क आ रही है ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, पहले यहां से इस पॉइंट से मुझे कहां जाना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा पेरीमीटर के लिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, हाफ सेमी सर्कल के बराबर होगा, है या नहीं है, क्योंकि मैंने अगर यहां से काटा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाफ सेमी सर्कल है, और हाफ सेमी सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है, आपको पता है कि सर्क्यूम्फ्रेंस क्या रहता है, उसका पाई 2πr होता है। ठीक है, लेकिन ये हाफ है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, उसका आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, तो ये आपका क्या हुआ, पाई आर आ गया। तो मतलब यहां से अगर आप यहां तक जाते हैं, पूरा इसको कवर करते हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना आता है, पाई आर आता है। लेकिन पाई आर के बाद बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक लाइन भी आई हुई है, आई हुई है नहीं आई है, डी के नीचे क्या रहता है, एक लाइन रहती है नहीं रहती है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई हुई है ये क्या है, इस सर्कल का क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अगर रेडियस है तो ये डायमीटर भी है, होगा या नहीं होगा। तो डायमीटर किसके बराबर होता है, ये क्या होगा, डी है ये तो डायमीटर, और डायमीटर आपको पता है कि डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। और यहाँ पर पेरीमीटर हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 108 इज इक्वल टू, आपका आर कॉमन ले लेंगे बेटा इसमें, तो ये हो जाता है पाई प्लस 2 हो जाता है यहाँ पे, और पाई की वैल्यू आपको क्या दी हुई है बेटा, यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको 22/7 दी हुई है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 108 इज इक्वल टू आर, दैट इज 22 + 7 = 14/7। ठीक है, तो आर यहाँ पर रह जाता है, ये हो जाएगा 108 अपोजिट हो जाएगा 7/636, हो गया क्लियर है बेटा आपको, 22 + 14 = 36 हो गया। और आपको पता है 36 अगर इसको काट देते हैं तो आपका 3 पे जो कटता है, ठीक है, तो रेडियस आपका क्या हुआ, 7 × 3 = 21, और आंसर किस में चल रहा है बेटा, सेंटीमीटर में।
तो रेडियस आपका यहाँ से क्या हुआ 21 सेंटीमीटर, जो वैल्यू आती है वो आपकी रेडियस की कितनी आती है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। पहले हमने पेरीमीटर लिया इस आर्क का और उसके बाद नीचे आपका डायगोनल है जो 2r के बराबर है, कॉमन ले लिया और उसके बाद आप बाकी सब इधर लेकर r इधर रह गया 183 प्रोकल करने के बाद 7/36 r = 21। ओके, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका बारी आती है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ठीक है, होपफुली आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पसंद भी आ रहा होगा और सबसे ज्यादा आपका वेटेज वाला चैप्टर भी है ट्रिग्नोमेट्री के बाद, तो प्लीज आपको ध्यान से देखना है। और जिस भी बच्चे ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द गिवन रेक्टेंगुलर ऑफ द लेंथ ए सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी सेंटीमीटर। ओके, एंड ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर वो ये बोलता है कि एक यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी पता है बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और यहाँ पर क्या होता है ये साइड एक छोटी और बड़ी होती है, ठीक है। इसमें वो बोलता है कि जो हमारी बड़ी साइड है वो यहाँ पर गिवन है कि जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो मैंने इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, और जब ये ए है तो ये भी आपका क्या होगा ए होगा, ये आपका बी है तो बेटा ये भी आपका बी होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा एक आपका क्वेश्चन वो हो गया। उसके बाद वो बेटा बोलता है कि उसमें हमें एक सर्कल बनाना है, क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और वो बताना है कि एरिया ऑफ द सर्कल उसका क्या होगा, मतलब मैक्सिमम कितना बड़ा सर्कल आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि चलिए मैं यहाँ पर क्या है एक सर्कल बनाती हूँ, यहाँ से एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, मैक्सिमम यहाँ पर इतना बड़ा सर्कल ही बन सकता है बेटा क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर हमें बनाना है, इससे बड़ा तो हम नहीं बना सकते, मैक्सिमम इतना सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करती हूँ और ये आपका पॉइंट है, तो ये किस क्या है, ये आपका डायामीटर है, आपका सर्कल ऑफ द डायामीटर है या नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है आपका डायामीटर है और यही लेंथ किसके बराबर है बी के बराबर है, इधर के बराबर है, तो मतलब जो आपका डायामीटर ऑफ दिस सर्कल होगा उसकी लेंथ इक्वल होगी बी के बराबर, होगी या नहीं होगी। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें कि कितना बड़ा सर्कल यहाँ पे बनाया जा सकता है, तो फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा डी है, ठीक है ना, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो डी बाय टू का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ आर को डी बाय टू का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी डायामीटर की वैल्यू क्या है बी है, तो बी बाय स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आता है पाई बी स्क्वायर बाय फोर आपका आंसर आता है, मतलब आप इतना बड़ा जो है एक एरिया का आप सर्कल इस रेक्टेंगल के एज पर दिस रेक्टेंगल डायमेंशन आप बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ ध्यान देने बात वाली बात यह है कि बेटा जो इसका डायमीटर होगा वही इसकी ब्रेथ होगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत ही जल्दी। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।